अब वो बंदी कितना सच बोल रही है कितना झूठ बोल रही है ये तो हमें पता नहीं ना, बचपन में मोलेस्ट हुई, ये हुई, हुई कि नहीं हुई, ये सब बातों को मिक्स करके एक फेक एजेंडा करके डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं भाई को। वो एक बहुत अच्छा इंसान है एंड तो कल मुनावर फारूकी और आयशा खान की लड़ाई के बाद काफी सारे लोग मुनावर फारूकी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुनावर के लॉकअप शो के फ्रेंड शिवम शर्मा ने भी उनके सपोर्ट में अपने इंस्टा पर एक वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आयशा मुनावर को डिफेम करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने सभी घर वालों के बारे में काफी सारी बातें करी। आप ये वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है सच का साथ। यस, क्योंकि सच का सामना तो कोई कर नहीं पा रहा है बिग बॉस के घर में, सॉरी मुनव्वर के घर में, क्योंकि अब ये बिग बॉस का घर कम मुनव्वर का घर ज़्यादा लग रहा है मुझे। इतने ज़्यादा पर्सनल अटैक कर रहे हैं लोग, पूरा गिरोह बना के ऐसे कल अंताक्षरी खेल रहे हैं कि भाई मुनव्वर ये वो वो। अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना यार, उसकी पर्सनल लाइफ है, उस बंदी को अकेले बात करके टैकल करने दो ना। अब वो बंदी कितना सच बोल रही है कितना झूठ बोल रही है ये तो हमें पता नहीं ना, बचपन में मोलेस्ट हुई, ये हुई, हुई कि नहीं हुई, ये सब बातों को मिक्स करके एक फेक एजेंडा करके डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं भाई को। पर इट्स ओके, हमारा भाई प्लेयर है, था और हमेशा ही रहेगा, और लॉकअप भी वो इसीलिए जीते, उनकी गेम बहुत अच्छी है। तो अब सीधे तरीके से तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो भाई खुद के मतलब खुद तो इनकी कितनी मिट्टी पिली तो हुई है, सबकी बेइज्जती हुई है, तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए सामने वाले को घसीट रहे हैं। और ये जो ये केकड़ा है, इसका क्या नाम है, जिसका बवासीर जैसा मुँह है, समर्थ, हाँ ये केकड़ा झींगा, ये शुगर शुगर मनाओ, ये केकड़े झींगे तुम लोग घर के अंदर हो, अभी तुम बाहर आओगे ना इसको समर्थ को इतने चांटे पड़ेंगे ना ये याद करेगा। कह रहे हमारा भाई मुनव्वर भाई को कह रहा है ये मुझे आंखों में चुभने लग गया है। अबे झींगे सीधा तो खड़ा हो नहीं पा रहा तू, खुजली वाला। एनीवेज, पर ये जो, और हाँ मेन चीज़ मैं पहले क्लियर आउट कर दूँ कि मैं कोई पंजाबी स्टार नहीं हूँ, मैं कोई पंजाबी रैपर या सिंगर नहीं हूँ, तो जो ये मैं बातें बोल रहा हूँ मेरा इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ना कोई मेरा गाना आ रहा है यूट्यूब पे जो मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे या फिर मुझे जाके लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे, भाई मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा। तो अपने को जो सिस्टम पता है वही है, मुनव्वर भाई दिल के साफ है, एकदम हीरा आदमी है, जिन लोगों को पत्थर फेंकने ना फेंकें, वो आसमान में थूकना थूको बेटा, छींटे तुम्हारे ऊपर ही आके गिरेंगे, तुम रुको अभी, ये बाहर, ये बाहर आ गई सब के सब, ये जब बाहर होते हैं ना मुनव्वर भाई मुनव्वर भाई मुनव्वर भाई कर रहे होते हैं, ये अंदर जाके इनकी ना जबान ज़्यादा चल रही है, अभी बाहर आने तो भाई को बताएगा एक एक को, कोई नहीं ट्रॉफी तो डोंगरी आ रही है। मुनव्वर की एक और फ्रेंड है जानवी, उन्होंने भी मुनव्वर को सपोर्ट करते हुए कुछ ये कहा। आपने कल का एपिसोड देखा होगा एंड आपको पता होगा कि बिग बॉस हाउस में क्या चल रहा है एंड चीजें कितनी ज्यादा अगली हो गई हैं, कितने गंदे तरीके से सब बोला जा रहा है एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज आई हैव वर्क विद मुनव्वर, मुझे पता है वो कैसा इंसान है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है मुझे लगता है एंड इट्स टू पर्सनल, सो I don't stand by this. I am standing with Munawar. So I'm definitely going to vote for Munawar only. बाकी सब में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना।